आज हम बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी मसाला ओट्स की रेसिपी। इसे हम बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ बनाएंगे, जिसे डाइट और वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसे आप ब्रेकफास्ट या डिनर में बनाइए। ये वेजिटेबल से भरपूर हल्का फुल्का लाइट मील है। तो आप भी हेल्दी खाना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे बनाने के लिए मैं पैन में ले रही हूँ 1 चम्मच ऑयल। इसे हम कम ऑयल में ही बनाएंगे। ऑयल गर्म हो जाते ही इसमें डालिए 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, 2 कटी हुई हरी मिर्ची और 2 साबुत लाल मिर्च। मसाला ओट्स को मैं सिंपल से मसालों के साथ बना रही हूँ। इन्हें पैन में एक बार चला दीजिए। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। इसे ऑयल में बढ़िया से भून लेंगे। ऑयल मैंने कम ही लिया है, इसलिए प्याज को मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए सुनहरा सा कर लेना है। अब इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। तो यहाँ मैं ले रही हूँ कटी हुई गाजर, थोड़े से कटे हुए बीन्स, शिमला मिर्च और थोड़े से फ्रेश मटर। सब्जियों को आप यहाँ पर बारीक कट करके लीजिए, जिससे ये कम समय में कुक हो जाएगी। यहाँ आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हो। जितनी ज़्यादा सब्जियाँ डालकर इसे बनाओगे, ये टेस्टी और हेल्दी बनेगा। सब्जियों को 2 मिनट चलाते हुए सोते कर लीजिए। अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर। इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए इसे मैंने बाद में डाला है। साथ ही में मसाले भी डाल दीजिए, जैसे 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी मसालों को सब्जियों में मिक्स करते हुए पकाएंगे। सब्जियों को हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। ये ओट्स में खिली खिली ही अच्छी लगती है और जो इनका न्यूट्रिएंट लेवल है वो भी बना रहता है। तो यहाँ मैंने सभी मसालों को सब्जियों में मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। गैस का फ्लेम हाई करके पानी में अच्छा सा बॉयल ले लेंगे। आप इसमें फ्लेवर के लिए मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हो, उससे भी ओट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं जब भी ओट्स बनाती हूँ तो हमेशा सफोला का ओट्स लेती हूँ। इसका जो टेस्ट है वो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपनी चॉइस से किसी भी कंपनी का ओट्स ले सकते हो। देखिए, पानी में भी एक अच्छा सा बॉयल आ गया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे ओट्स। यहाँ मैं 1/2 कप ओट्स ले रही हूँ। ये पानी को सोख कर फूलता भी है, तो इसमें 2 प्लेट ओट्स आराम से बन जाएंगे। ओट्स को डालते समय आप इसे पैन में फैला कर डालिए। एक जगह डालने से इसमें लम्स बन जाते हैं और ये अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। इन्हें पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ओट्स को डालने के बाद ये 2 मिनट में ही पक कर तैयार हो जाते हैं। इन्हें 2 मिनट उबलने दीजिए, जिससे ओट्स सारा पानी सोख कर फूल जाएंगे और मसालों में मिक्स हो जाएंगे। मसाला ओट्स खाने में बहुत ही लाइट है, तो इसे आप डिनर में झटपट बनाकर एंजॉय कर सकते हो। इसे बनने में 5 से 6 मिनट का ही समय लगता है। ऊपर से डाल दीजिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज के लिए।